हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंट्राडे आइडिया में। आज के इस वीडियो में मार्केट और इंट्राडे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले, जिससे तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और डेली इन वीडियो से कुछ सीख रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को पूरा देखें, एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन 24 मार्च फ्राइडे के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में। पहले एक नज़र आज के मार्केट पर। जैसा कि मॉर्निंग के वीडियो में अपडेट किया था, फेड रेट हाइक होने के बाद आज मार्केट फ्लैट टू बेरिश ओपन हुआ। गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने 17,050 के लेवल तक की गिरावट आई। एंड मार्केट इसी लेवल का सपोर्ट लेके यहां से शानदार रिकवरी लिया और मार्केट 17,170 तक की लगातार रैली दिया। एंड इस लेवल पे एक स्विंग बना के यहां से अगेन 17,200 के मेजर रेजिस्टेंस तक की रैली दिया। फिर 17,200 के लेवल का रेजिस्टेंस लेके मार्केट में जोरदार गिरावट आई, जिससे मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी फ्लैट गैप डाउन ओपन हुआ। एंड ओपनिंग के बाद 39,730 का लॉ लगाया एंड इसी लेवल को सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी में 40,200 के लेवल तक की शानदार रैली देखने को मिली। और निफ्टी की तरह 40,200 के लेवल का रेजिस्टेंस से बैंक निफ्टी में 650 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट आई और नेगेटिव क्लोजिंग हुई। लास्ट फाइनेंस निफ्टी ये भी फ्लैट गैप डाउन ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी की तरह ट्रेंड फॉलो किया एंड नेगेटिव क्लोज हो गया। जिन्होंने बांटे गए लेवल के हिसाब से ट्रेड प्लान किया होगा, अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, एक्सपायरी मजेदार हुई होगी। आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद आइए देख लेते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन 24 मार्च फ्राइडे लिए मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चैन के डेटा बेस से क्या निकल के आ रहा। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फाइनेंस का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आगे वीडियो में दिया है, आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। निफ्टी फाइनेंस सर्विस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज के स्टडी के लिए हमने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के बाद 4 स्टॉक दिए थे, जिसमें पहला वारपूल, दूसरा आईसीआईसीआई पुरली, तीसरा जेएसडब्ल्यू स्टील और लास्ट अडानी पोर्ट्स था। आज मार्केट फ्लैट बेरिश ओपनिंग हुआ। आज के लिए हमारे 2 कॉल्स बाय साइड एंड 2 कॉल्स सेल साइड था। आज बाय साइड के कॉल में से वारपूल एंड आईसीआईसीआई पुरली दोनों ने बाइंग लेवल को ट्रिगर नहीं किया। सेल कॉल्स में से जेएसडब्ल्यू स्टील एंड अडानी पोर्ट्स लेवल को ट्रिगर कर स्टॉप लॉस हिट किया। आज के स्टॉक्स ने स्टॉप लॉस हिट किए, 2 कॉल्स लेवल को ट्रिगर नहीं किए एंड 2 स्टॉप लॉस हिट किए। मैंने आने वाले ट्रेडिंग सेशन 24 मार्च फ्राइडे के लिए बेस्ट 4 स्टॉक सेलेक्ट किया है, जिसमें पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टी, तीसरा एस्कॉर्ट्स और लास्ट एसर मोटर्स है, जिसके लेवल्स आगे दिए हैं, देख सकते हैं और चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहे। मेरा पहला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं 511 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 516 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी को मैं 1064 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 1076 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा तीसरा स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स को मैं 1849 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 1865 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। मेरा लास्ट स्टॉक है
एसर मोटर्स को मैं 2910 के नीचे सेल करूंगा और स्टॉप लॉस 2940 का रखूंगा, जिसके टारगेट नीचे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए लेवल को चार्ट पे देखते हैं। इसी तरह अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे तुरंत आपको अपडेट मिल सके। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स।